तेरा नाम तेरा तेरा नाम तेरा दुख पंजन तेरा नाम वो सब किछ
पाया जन नानक साधु बलिहार जन नानक साधु बलिहार जन नानक साधु बलिहार तेरा नाम तेरा नाम भगत सुहावे अगम गोचर साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरा गुरु उपदेश नानक सुनावे इतनी हाजरी प्रवान करो कीर्तन करद दसरिया पासों अनेक प्रकार की गलतियां त्रुटियां हो गई हो गुरु पातशाह आप संगत माफ कर योग हो आओ हम साढ़े तो बाद साढ़े अति सत्कारी ज्ञानी सरबजीत सिंह जी आप संगत इस तरह गुरु पातशाह जी जीवन विचार से जो लड़ीवार कथा चल रही है आप रोज सरवण कर रहे हैं ज्ञानी जी पासों अज भी उस लड़ी के तहत कथा सरवण करिए कोई भी रसनाबाजी ना रहे जी आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
सिमरू अंगद दुख निकंदन अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नहन के नाशक विघ्नहन के नाशक श्री हर गोविंद शब सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाहे बहोरी गुरु तेग बहादुर परम केर पाला वाहे गुरु परम केर पाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरुदर पर पुन पुन सीसा वाहे गुर पुन पुन सीसा वंदो वारे वार जगदीश जम अमृत ज्ञान है माणक भगत बराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद बंदो कर अनुराग इकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु साहिब जी चिरंकाल की लगी उड़ी का दर्शो आज भाव तो जी का ग्रह काब बिन बिन उतारे ले गमनो निज गे मजारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सन्मानियो जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई वड्या भागा वाले हो जिन्हों उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर बख्शिश मेहरामत करके इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां बख्शिश करके नवाजिया है। गुरु सवारे जी चल रहे पावन गुर इतिहास दी विचार कल रात्रि दे दीवान अंदर आप संगतां ने इत्थों तक श्रवण कीती सी कि धन धन मीरी पीरी दे मालक सतगुरु बंदी छोड़ दाते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी सुदा सरदी पावन धरती तो कुछ गुरसिखां नूं नाल लैके चले हन पिंडा तय करके पहाड़ी इलाके सतगुरु श्रीनगर दे रस्ते कश्मीर दे नजदीक पहुंचे ने
रस्ते विच्चों गुरु दे प्यारे सिख भाई कट्टू जी नूं नाल लिया। एक थां उत्ते सतगुरु जी ने रुक के निर्मल जल का चश्मा भी लाया। सियालकोट के रस्ते चलदिआं सतगुरु कश्मीर पुजे ने। उस माई नूं दर्शन देण वास्ते जिहदी विरध अवस्था है कई सालों तो सतगुरु जी नूं याद कर रही है। अपने हत्थीं रूई दा पूणिया दा सूत कत के इन्हें कपड़ा बनवा के सतगुरु जी ले चोला तैयार करके धरिया होया है। मन विच इच्छा है जदों तक सतगुरु आप आके अपनी भेटा नहीं लेंदे तदों तक मेरे शरीर विच्चों प्राण नहीं जाणगे, भाव मैं मरांगी नहीं। मन अंदर किया होया प्राण प्रेम ते विश्वास नूं वेख के सतगुरु जी नूं अमृतसर साहब तो चलना पिया। हजूर जी इस अस्थान नगर कश्मीर पहुंचे तो महाराज के पहुंचण की खबर मिल गई। आले दुआले सतगुरु के प्यारे सिख जुड़न लगे। महाराज जी भाई सेवादास का घर पुछ के माता भाग भरी का घर पुछ के सीधे उस घर वल जा रहे ने। जा दरवाजे ते सिखां दस्तक दित्ती। सतगुरां आवाज मारी, माई भागा भरीए उठ वेख तेरे सतगुरु आए ने। ये आवाज घर बेड़े दे अंदर माता भाग भरी दे पुत्र सेवादास ने सुनी। तत्क्षण उठ दरवाजे वल आया। जदों इन्हें किवाड़ दरवाजा खोलिया तो सतगुरां दे दर्शन करके नदरी नदर निहाल हो गया। कुछ पलां वास्ते इहदे मन नूं सच ना आवे कि सचमुच ही सतगुरु आए ने। गुरु नूं दरवाजे उत्ते खलोया वेख मन हिरदा विराग विच भरिया, अखां भर गईयां। महाराज जी दे चरणां विच सीस धरिया, रकाब च रखे हुए सतगुरां दे चरण सीस धर के सतगुरु जी नूं बेनती करन लगा। महाराज किरपा करके घर बेड़े विच अपने मुबारक चरण पाओ। इत्थों तक इतिहास आया सी कि समा समाप्त हो गया सी। आओ किवें इह भागां भरी विरध माई माता भाग भरी सतगुरु नूं उठ के दर्शन करदी है। महाराज इत्थे किन्ने दिन रहणगे, की कुछ वरतौणगे। आओ सतगुरां दे पावन इतिहास नाल जुड़िए। एक बार सारियां संगतां जो घरां विच वी दूर दरेडे विदेशां विच वी जुड़ बैठ लाहे प्राप्त कर रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां दा ध्यान धरो। अपने बच्चों नूं अपने पास बिठाओ। ये बच्चे ही आउण वाले समय विच कौम दे समाज आ पेरेंट्स दा उज्जल भविख हन। गुर इतिहास अते गुरबाणी तो जाणू होना इन्हां दा अत लाजमी है। करो किरपालता प्यार सहत दोवे हथ जोड़ उचारण करो जी वाहे गुरु काल की लगी उड़ी का दर्शो आज भाव तो जी का। महाकवि भाई सह भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि रचेता श्री गुरप्रताप सूर ग्रंथ जिल्द सतवीं पन्ना 2705 ते अंकित करते हैं। सतगुरां मिठी सुर विच आवाज दिती, कहने भागा भरीए चिरंकाल बहुत समय तो जिस दी तू उड़ीक कर रही सी, वेख अज ओ सतगुरु तेरे दरवाजे उत्ते आन टुके ने। गहर काब कर बिना उतारे ले गमन्यो निज गृह मजारे। भाई सेवादास ने सतगुरु जी दे रकाब विच टिके हुए पैर चरणा उत्ते मत्था टेकिया, बेनती कीती महाराज जी इसे तरह बेड़े विच चरण पाओ। घोड़े उत्ते सवार सतगुरु इसे तरह दरवाजे विच्चों लगा अपने वेड़े विच लियांदे। सतगुरां रकाब विच पैर धर के घोड़े तो पोए उतरे हन। पुछदे ने सेवादास तेरी माता जी किथे हन, जिन्हां दे प्रेम करके विश्वास करके
प्रण करके इन्नी दूरों सानू चल के आना पिया है। रुचर प्रियंक निसार निकास दसावा निज माता को हरख सुनावा। सतगुरां वास्ते बेड़े दे अंदर सोहनी जगह ते पलंग भाई सेवादास ने डा दिता। प्रियंक कहिंदे पलंग नू उहदे उपर चादर विछा दित्ती। अंदर बैठी हुई अपनी विरध माई जिहदे अखां दी रोशनी भी घट चुकी है, अवस्था इस तरह की हो गई कि नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुद बानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करें परानी। पर इस अवस्था विच भी मेरे सतगुरु वैद मनवारी ने क्योंकि प्रेम विच जुड़िया होया दी सतगुरु नू लज रखनी पैंदी है। राम राय हो वैद मनवारी अपने संतां लेहो अवारी। विरध अवस्था है, सेवादास ने प्रियंक डा दिता, आसन लाया, महाराज नूं बैठण लई बेनती कीती। सतगुरु पुछदे सेवादास अपने माता जी नूं बुलाओ। तां अंदर जाके सेवादास अपनी माई नूं इस तरह आखण लगा। हे वडभागन दिन प्रत जाही करत प्रतीखन रह चित माही। कृपा तार कर सो चल आए नाम माता को हरख सुनाए। खुश होके सेवादास बोलिया अंदर जाके मां सतगुर ने कृपा तारी है, वेख गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाहर आए ने। इन्नी गल नाम सुनिया मां भाग भरी दे हिरदे अंदर जिमें एक विराग दी कोई ऐसी लहर करंट दी तरह छिड़ी। शरीर कंबिया, बिरध शरीर है, हाथ जुड़ गए तां प्रसन्नता दी हद ना रही। अंदरों वैराग विच अथरू किरन लगे। आखै भाग भरी शुभ तेरा सारथ भाग भरी अबहेरा। हुण ए सेवादास बोलिया मां बाहर सतगुरु आए ने। इन्नी आवाज सुनी शरीर बिरध उठिया ना जाए। अपने पुत्र सेवादास नूं आखदी है पुत्र मैनू सहारा दे के उठा, छेती नाल सतगुरां दे दर्शन करवा। सुनत उठी बह बल युत प्रेम बलहीना गुर हित के नेम। सुनत उठी बेहबल, बेहबल कहने कमजोर शरीर नूं, कहने बिरध शरीर है, बेहबल है, कमजोर है। उठ खलोती कादे आसरे सारथ भाग भरी अबहेरा। बलहीन है शरीर, अपने पुत्र दा हथ पकड़ के अपने आसन तो माता भाग भरी उठ खलोती। एक तो बिरदा थीती बैकनी खान पान संजम के सनी। कहने एक ता शरीर बिरद है, दूजा माई भाग भरी दी सुरत इन्नी जुड़न लग पई कि इहदा शरीर हुण बहुता खाना पदार्थ नींद सब कुछ घट गया। जदों किसी दी शब्द सुर दा अभ्यास चल पै उदों उहदी भुख विच वी नींद विच वी ऑटोमैटिक फर्क पैणा शुरू हो जांदा। उहदी भुख नूं वी उहनूं घट लगेगी, नींद वी घट आएगी। तां जिहड़ा शरीर है उह कुदरती तौर ते जदों इस तरह भोजन ते भुख नींद इह चीज़ां घट जाण शरीर विचों ਇਹ ਉਂ ਸਰੀਰ ਦੁਰਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ ਉਰ ਕੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਚਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਰਦਾ ਥਿਤੀ ਮੈਂ ਘਣੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੰਜਮ ਕੇ ਸਨੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ ਉਰ ਕੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜੋਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ
अपने कमरे विचों बाहर आई। जाते प्रेम ब्रहातुर होई, शीघर नहीं उठ सकिया कोई। भाई संतोख सिंह लिख दे, सुत कर पकरे अंगने आई। चखण पलख ते एक टक लाई, अपने पुत्र दा हाथ पकड़ के आंगन कमरे तो अपने आंगन, आंगन कहते बेड़े नू, कहते बेड़े दे विच आई ता एक टक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे पलंग उत्ते बैठियां दे दर्शन कीते। उत्थो नजर सहजे सहजे कोल हुंदी गई, मुख उजला सतगुरां दा चंद्रमें वर्गा सुंदर मुख नेड़े हुंदियां होर नेड़े होके दिखदा गया। एक टक रुक के वेखण लगी, बैराग दे अथरू किर रहे सन, मेरे सतगुरु दा प्रेम वेखो। महाराज नूं भी पलंग तो उठना पिया। फिर जदों कोई सिख इतने प्रेम वे सतगुरां दे दर्शन करे, गुरु नूं उठना पैंदा। गुरु दा प्यारा सिख माई भाग भरी, अज वराग वे दर्शन करके रोण लगी। सतगुरु भी पर्यंक तो उठ खलोते, गद गद भई ना बोलियो जाई, बानी रही कंठ उर जाई। भाई संतोख सिंह लिख दे, सतगुरु आप नजदीक होए कदम चल पे, ता ए माई गद गद हो गई। वराग विच कंठ हिरदा गला रुक गया, बोलिया ना कुछ जाए। सतगुरु प्यार नाल पुछ दे, माता भाग भरी सब कुशल है, सब ठीक है? ता सतगुरां दे ए बोल सुन के जवाब ना कुछ दे होया, प्रेम बराग विच माई भाग भरी दा गला रुक गया। अखां विचों अथरू चल रहे सन, हाथ जुड़े हुए ने, अपना शरीर निभा के सतगुरां दे चरनी हाथ लाउण लगे। सने सने सामी पी होए, कर मैं ग्रह पग पंकज दोए। सतगुरां दे पग पंकज भाव सोहणे चरणां वल, जदों ए सी चुका के हाथ जुड़े नमस्कार करन लगी, अगों मेरे कृपालू मीरी पीरी दे मालक सतगुरु बंदी छोड़ दाते। कहने सिर तर तर पर कर पर नमा, देखण पुन स्वरूप वे रमा। चरना तक सीस आउण नहीं दिता, सतगुरां मोढ़ियां तो रोक लिया पकड़ के। ते साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्यार नाल गले मिले। कहने मां पुत्रां दी जगह हिरदे विच हुंदी है, मां हमेशा पुत्र नूं सीने नाल लाके ही प्यार दिंदी है। वर्षा अपने निकट गडायो, शुभ सहजा पर गुरु सुहायो। सतगुरु वेखो कैसे ने, जिहड़ा कोई गुरु दी रजा हुक्म भाणे विच चल गुरु नूं प्रसन्न कर ले। महाराज नूं बाणी अंदर भी कहना पिया, कहने सिखो मैं उस सिख दा सब कुछ हां, उहदा पिता भी मां भी बंधक भी भाई भी पुत्र भी सारा कुछ मैं ही हां। जे कोई मेरा हो जाए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, सो सिख सखा बंधप है भाई। जे गुर के भाणे विच आवे वो गुरु दा सिख भी है, सखा भी है, बंधप भी है, भाई भी है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अज किवें सतगुरु प्यार दे नाल सीने ला के कहिंदे मां पुत्रां अगे सीस नहीं नवाई दा, पुत्रां नूं तां कंठ लाई दा है। इतक समय मैं तार कर तीरा, बोली बिरदा प्रेम गहीरा। फिर सतगुरु जी नूं बेनती कीती माई भाग भरी, कहिंदे महाराज जी तुसीं बैठो पर्यंक ते। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਾਸ ਹੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲਗਨ ਜਿਸ ਲਾਗੀ, ਸਭ ਰਸ ਤਿਆਗ ਦਰਸ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, सतगुरां दे दर्श प्यास इन्नी लगी हुई माता भाग भरी कोल बैठी, अथरू ना रुकन, हजूर दे एक टक दर्शन कीते। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्रेम बराग विच आके प्रसन्नता विच आए। सतगुरु भी प्यार दे नाल अज बाणी सुनाउण लग पए। जदों महाराज जी बहुत खुश हुंदे तां गुरसिखां नूं तुरकी बाणी सुनाउंदे। महाराज जी तुरकी बाणी दे शब्द पढ़ाउंदे, बहुत प्रसन्नता विच आए। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज
माता भाग भरी की अवस्था बयान कर लग पे। पंचम सतगुरां दा शब्द महाराज जी ने आप गाव्या, साहब जी प्यार विच बोले, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चा त्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों कोली जियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सतगुरु अवस्था बयान कर रहे, जदों किसी जग्यासु दे भाग जागदे हिरदे विच ही सतगुरु दर्शन दिंदे। अज सह प्यार नाल ये बाणी गा रहे, नगर दे अनेकां सिख संगती रूप में जुड़े, माता भाग भरी दा वेड़ा घर तां अज वैकुंठ हो गया, किसको निश्चय प्राप्त होए, ए गाथा जग कह सब कोए, तह वैकुंठ जय कीर्तन तेरा। अज बीबी ओस माई भाग भरी दा वेड़ा वैकुंठ बन गया। सतगुरु दे चरणां में जुड़े सिख महाराज प्यार विच बाद विच बोले, कहने माता भाग भरी अज तेरा घर वैकुंठ है, समा आएगा सदियां तक तेरे प्रेम दिया सखियां चलिया करनगियां, हो प्रदख होई अब मेरे श्री सतगुरु तुम दर्शन हेरे। सहब सतगुरु प्यार दे अंदर टिके हुए ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नू ये माई बोली, बोली बिरदा प्रेम गहीरा, कितक समय मैं तर कर धीरा। सतगुरु जी ये जो धीरज प्रेम विश्वास प्रण बख्शिश किया, महाराज तुहाडा ही बख्शिया होया है, मेरा नहीं इहदे विच कुछ भी, कि मैं विश्वास रखिया, मैं प्रेम किया, मैं प्रण किया, कहे महाराज मेरा नहीं है कुछ, ये सब कुछ प्रेम धीरज जो भी है ये तुहाडा ही बख्शिया होया। ता सतगुर संग लगन जिस लागी, सब रस त्याग दर्श अनुरागी। महाराज कहने जिस नूं लगन लग जाए मां दर्श प्यास दी लगन होवे, कहने उन्हों फिर उहदे हिरदे विच कोई चीज वस जांदी अनुराग। अनुराग कहने प्रेम नूं, कहने प्रेम एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी दारू है, एक ऐसी खुराक है जिस दे अंदर ना नींद है ते ना भुख। एक तां तुहाडी जिंदगी दा आम तजर्बा रहना है, कितने घर अंदर बहुत खुशी का समा हो बंदे नूं ना नींद पैंदी है ना भुख होंदी। जिहदे घर अंदर खुशी का कोई माहौल, ब्याह शादी, उहनूं पुछ के वेखो वी तूं रोटी जिवें रोज खांदा सी अज खाधी, उह कहिंदा सवेर दी खाधी होए भुख ही नहीं लगी, सारा दिन सारी रात भी इदां ही लंघ जांदी, ब्याह शादी नींद नहीं आउंदी घर वाली, क्यों? उदों एक प्रेम, एक खुशी, एक आनंद, कोई खेड़ा ही अंदर ऐसा है जिहड़ा ना नींद आउण दिंदा है ना भुख आउण दिंदा है। ऐसा शब्द सुरत दे अभ्यासियां नाल नित वरतदा है, वह अपनी भुख और नींद उत्ते संजम कर लैंदे। अज महाराज जी प्यार च बोले, कहने मां किसे दे अंदर दर्श प्यास की खुशी होवे, प्रेम होवे, वो अनुराग की खुराक नाल, प्रेम की खुराक नाल भर जांदा है। हो वारी हो सद बलहारी, हो सद के कोली सद वारी। ये हुण माई बोली, कह सतगुरु जी जिहड़े महाराज ने शब्द पढ़ाए, हो कोली जियो कोल कमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो। ये हुण अपनी रसना तो बोली, कह सतगुरु जी हो वारी हो सद बलहारी, हो सदके कोली सद बारी। महाराज कुर्बान उन्हां राहां तो जिन्हां तो तुसी चल के आए हो, सतगुरु जी बार बार सद वार कुर्बान बलिहार जावां, तुसी दर्शन दे के निहाल कीता है। गूंदी फूलन माल विशाला, पहराई गुर घर दुत माला। तां ए माई बोली तीवी आवाज, बिरद शरीर है अपने पुत्र सेवादास नूं, कहनी सेवादास अंदर एक फुल्लां दी परोई हुई माला है, ओ लैके आ। तां उस वक्त
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਰੋ ਪੂਜਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਜਾਰਾ, ਤੁਮ ਹਿਤ ਜਹਾਂ ਸਥਾਨ ਸੁਧਾਰਾ, ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕਰ ਗਰ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਪਈ ਸਫਲ ਅਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਸੀ ਬੁਲੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ। ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੰਗਵਾ ਲਵੋ। ਮਮ ਹਿਤ ਵਸਤਰ ਸਧਾਰਿਓ ਨੀਕੋ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗਤ ਜੀ ਕੋ। ਅਨੁਰਾਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਰਨ ਹਿਤ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਅਪਰਨ ਅੰਬਰ ਮੋਹੇ ਸੁਹਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੋਰ ਕੱਪੜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸੂਤ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਵਸਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਉਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਉਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਕੋ ਕਹੋ ਅਬ ਦਿਓ ਸਿਵਾਏ, ਪਹਿਰੋ ਤਨ ਮੈਂ ਮੋਦ ਉਪਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛਕਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ। ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਖੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਾਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇੱਕੋ ਬੁਰਕ ਹੀ ਛਕ ਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਈ, ਮਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੇਹਾ ਹੈ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋਣਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਧਰੀ, ਇੰਨੀ ਨਰਮ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਖਾ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰੇ ਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਰਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, 20-30 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਦਾ ਉਸ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦਇਆ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਬਿਸਮਤ ਚਿਤ ਹੈ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਨਹਿ ਤੁਮਰੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਕਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸ, ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਮਲਾ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਰੀਦਾਰ ਵਸਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਇਸ ਭਾਂਤੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਾ ਤਨ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਖਿਓ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੀ ਕੁਝ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਉੱਚੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨੀ, ਧਨ ਗੁਰ ਸਕਲ ਬਾਤ ਤੇ ਹੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਮਤ ਮਲੀਨ, ਕੁਜਾਤ ਇਸਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਖਮ ਪੰਥ ਜਹ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਹਾਰਨ, ਸਭ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਲੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬਸ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ?
सतगुरु कहते माई तेनों कौन कहना सी चोले करके आए ता सतगुरु के हाथ जोड़े महाराज जी फिर कहने असी ता तेरे प्रेम करके आए चोले करके नहीं आए चोले तो बहुत ने पर जेहो जेहा प्रेम तू वह सूत कत्तन विच भरिया होया जिन्ना प्रेम वह कपड़ा बुन विच है माई इन्ना प्रेम होर किसी कपड़ विच अनुराग ना होना सिर्फ तेरे प्रेम करके असी आए। एक कहो जी माई इत्थे तुहाडे शहर च भी होई उन्हें पंजा सिंघां नूं प्रशादा छकाया ते छे महीने सत महीने उहदे लग गए एक एक चौल उत्ते उन्हें एक एक जपजी साहब का पाठ किया एक एक चौल उत्ते तां मसीं पाईआं कचौल उहदी खीर बना के फिर उन्हें भोजन प्रशादा गुरु के प्यारे सिखां नूं छकाया। वो माई बिरध हुण तां पता नहीं शरीर है कर शरीर करके है भी जां नहीं पर साल दो साल गुजर गए इस गल नूं ता इन्ना प्रेम वेखो किन्ना है इन्ना प्रेम अंदर जा गया एक एक चौल उत्ते हाथ विच पकड़ के एक एक जपजी साहब का पाठ किया तो मसी छे सत्त महीनों च किते पाईआ अद पा चौल जुड़े होणगे तां जाके वह सेवा यह प्रेम की अंदर की निशानी है। कोई किन्ना खट प्रेम कर रहा सतगुरु उहदा फल भी जरूर मिलता। साहब सतगुरु जी बोले कहिंदे माई चोले करके नहीं असी सिर्फ तेरे प्रेम करके आए प्रेम वाले सिख लभदे नहीं सतगुरु नूं जाके लभणे पैंदे ने। सिख प्रै बिरध आप को सच इम भगत वशल तुम रूप बिशन जिम। साहब जी प्यार विच बोले कहिंदे सिख प्रै बिरध आप को सच इम तुसी सच दा रूप हो गए हो माई शरीर बिरध है भगत बशल तुम रूप बिशन जिम। सतगुरु जी प्यार च बोले कहने असी भगती करन वालियां दी पत रखनी वह विरध है सतगुरु दा सानू अपने विरध सवार करके आना पिया तुसी प्रेम करके सानू इस जगह उत्ते बुला लिया। साहब जी प्यार विच बोले माई एक कारण होर है वह तेरे मन की यह इच्छा पूरी करन लई कि उन्नी देर मैं मरांगी नहीं जिन्नी देर सतगुरु नहीं आउंदे। महाराज कहिंदे आ प्रण सी तुहाडे मन सतगुरु जी कहिंदे इस कारज ले भी आए हाँ कि हुण साडे हुंदिआं ही तुसीं शरीर छड्डणा तुहानूं सचखंड तक प्रवान कराउणा है। मोहे पतत को पावन कीना दीनन पर करुणा रस पीना। बस सुन के रो पई माई कहिंदी अदम उदाहरण नाम तुम्हारा एक ए मैनी के निर्धारा। सतगुरु कहिंदे माई परलोक तक की जिम्मेवारी सतगुरु ले लैंदा कोई प्रेम नाल मार्ग ते चल के वेखे लोक दी पत वी परलोक दी वड्याई वी उस सिख दी झोली पै जांदी अकाल पुरख नूं पत रखनी पैंदी। इह माई विराग विच रो पई कहिंदी सतगुरु निरंकार रब तों बगैर इन्ना प्यार कोई दे नहीं सकदा तुसी साक्षात निरंकार हो। देखो प्रेम के नर हुए नारी गत सुभाओ के महद बिचारी। महाराज तुसी देखिया नहीं कोई कि ये ता नीवी जात वाले ने इन्हां कोल ता पैसा नहीं है ये ता गरीब ने की हुंदा एक सूत दा बुनिया हुए कपड़े दा चोला किन्नी कु कीमत रखदा। महाराज तुसी देखिया नहीं कुछ भी तुसी मान देण साडे घर विच आ गए तुसी साक्षात निरंकार हो रब तो बगैर इन्ना वड्डा मान कोई दे नहीं सकदा। इतिहास की एक गल होई तो भगत साहबान जी का तुरकी बाणी में शब्द आया कंछी दे रहण वाली महाराणी झालां बाई उन्हें कंछी की धरती ते भगती करन वाले एक गरीब अखौती उदों लोग कहिंदे सी नीच चमियार है भगत रविदास जी नूं गुरु धार लिया क्योंकि उहदी लड़की मीरां बाई उहदे घर वाला राजकुमार जिहड़ा राजा सी उह चढ़ाई कर गया फिर वह बरागण हो गई उहने पहलां गुरु धारिया फिर झालां बाई की भी शरदा बन गई तां उह महाराणी ने महाराणे संगे नाल गल कीती अपने बादशाह नाल कहिंदी मेरे मन की इच्छा है जिन्हों मैं गुरु धारिया उन्होंने घर प्रशादा छका। वो कहना भागवान ने भली गल आप ब्रह्म भोज रख लेने होर भी
हरेक साल पंडितों नूं सद के भोजन छकाई दा, चलो उस ब्रह्म भोज ते बुला लें। कहिंदी ठीक है, सारी तैयारी हो गई, भगत जी नूं सद लिया। जदों बुला लिया तां भोजन प्रशादा बरताउण लगे, बड़े अदब नाल महाराणी ने बाबे रविदास नूं वी विच बिठाया, तां सारे दे सारे पंडित 118 दे 18 उठ के खड़े हो गए। कहिंदे महाराणा संगा, ये की करन लगा, नर्थ पाप कर रहे। कहिंदे की होया? कहने एक शूदर नीच चमियार नूं साडे बराबर बिठाता। वो कहने बराबर नहीं, देखो वो तो दूर बैठे। कहने दूर नहीं, साडे नाल नहीं भोजन खा सकदा, जा ते नूं कल्ले नूं खड़ा ला, नहीं तां सानूं भोजन छका ला। तां भगत जी उठ के खलो गए, हाथ जोड़ के राजे नूं कहे, महाराणा संगा प्रशादा ही छकना, असीं बाद विच छक लांगे, इन्हां नूं नाराज ना कर, इन्हां नूं प्रशादा पहलां छका दे। ता राजा भी बड़ा कायल होया अंदरों, कहना वेखो निम्रता। तब भगत जी नूं प्यार नाल अंदर होर कमरे विच बिठा दिता, पंडतां नूं भोजन छकाउण लगे। ये गल अचंभे वाली उत्थे घटना घटी, उधर अंदर बैठे भगती लीन निरंकार वाहिगुरु विच सुरत जोड़ के बैठे रब दे प्यारे बाबा रविदास जी, ते इधर जिहड़े 118 पंडित बैठे, उन्हां विचों भोजन छकदिआं छकदिआं दोंक जणिआं ने रौला पाता। कहिंदे आ रविदास तां मेरी थाली चों खाई जांदा। वो कहे तेरी थाली चों किवें खांदा, वह तां अंदर बैठा। जदों दूजे ने अपनी थाली वेखी उत्थों भी ऐं बुरकी भरे, वह कहे मेरी थाली चों खांदा, रौला पै गया। महाराणा सांगा कहिंदे वह तां अंदर बैठे ने, तुहाडी थाली चों किवें खा सकदा। तां सारे पंडित हैरान हो गए, अध विचकार भोजन छड्डण लगे, क्योंकि रब विच जुड़े हुए गुण निधान का रूप हो जाते हैं। जिवें रब सारे थां ते बरत लैंदा, रब दे प्यारे भी एक सकिंट विच सारी धरती का भ्रमण कर सकते, सारी धरती। पर वो बहुत उच्ची अभ्यास बख्शियां ब्रह्मलीन रूहां ने। जदों इस तरह रौला पै गया तां पंडित उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहिंदे महाराणे संगे, पहलां रविदास नूं साडे सामने लिया, उन्हूं भोजन छका, फिर असी छकांगे। अंदरों अदब नाल सद के लिआंदा, पहलां भगत रविदास जी नूं भोजन छकाउंदे, तां फिर पंडितां ने छकिया। पंडितां दा जिहड़ा सब नालों सिरमौर सी आगू, हाथ जोड़ के रविदास की शरणी पै गया, रविदास सानूं नहीं सी पता तू उस भगवान विच लीन होके उहदा रूप हो गया, अब विपर प्रधान ते करें डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। पंडतां दा प्रधान हुण मत्था टेक रहा, तां भगत रविदास जी अहंकार विच नहीं आए कि इन्ना माण मिल रहा। प्रेम बराग विच जदों सारे कहण महाराणा संगा महाराणी झल्लां बाई, कहिंदे देखो जी तुहाडी पत किन्नी रखी, भगत जी किस तरह सारे पंडित तुहाडे चरणां झुक गए। तां भगत जी बोले, कहिंदे इह नहीं झुके, इन्हां नूं झुकाउण वाला कोई होर है, ये नहीं चुके, इन्हां नूं चुकाउण वाला कोई होर है, नहीं तो मैं शूदर गरीब चमियार जोड़े गंढन वाला, मैनू कित्थों किसी ने मत्था टेकना। ये पंडित भी तां सिर चुकाउंदे, वड्याई देण वाला कोई होर है। प्रेम बराग विच पढ़ दे, कहिंदे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरे, जाकी शोत जगत को लग। ये तो मैं शूदर कहने से, कहने नाल बह के पिटे जावांगे। कहने जाकी शोत जगत को लग, ता पर तू ही डरे, नीचे ऊच करे, मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। जे नीचा नू कोई उच्चा कर सकता है, गरीबां नूं कोई नवाज सकदा है, तां सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा। अज माई भाग भरी रो के बोली, सतगुरु ना सानू गरीब तुसी वेख्या, ना नीवी जात वाले वेख्या, महाराज इन्ना माण दे दिता आके, साक्षात निरंकार रब ही इन्ना माण दे सकदा है। नौ निध सिद्धन सब को स्वामी, पोखन करो सर्वंतर जामी, कथा एक वस्त्र नहीं सोनी का। सतगुरु प्यार च बोले, कहने सानू वस्त्र उन्ना प्यारा नहीं है जिन्ना तुहाडा हिरदा, क्योंकि प्रेम नाल बुनिया,
प्रेम नाल कत्या ते सहित श्री सोडी कुल टीका सोडी कुल दे सरमौर मेरे सतगुरु अज माण देन आए नगर दियां संगतां जुड़ गईयां सतगुरु प्रेम दी व्याख्या समझाउण लगे पंथ बिखम को लांगत आए मुझ जीवत को दर्श दिखाए इम कह हो तंवार ने हित सो बेनती की माई ने महाराज एडी दूरों औखा पंध लंघ के आए हो गरीबणी नूं माण देण वास्ते सतगुरु बार बलिहार कुरबान सद के जावा उसे वकत ए माई ने अपने पुत्र सेवादास नूं कहा पुत्र चौंकी ते सुशोभित मेरे सतगुरु दा वस्त्र प्यार शरदा नाल लेके आवो कह होवत वार ने हित सो करी प्रकर्मा हरकत चित सो जदों चोला सेवादास लै आया माई ने अपने दोवां हत्थां विच लिया बिरध शरीर है सतगुरु पलंग ते बैठे ने पहला प्रकर्मा कीती फिर महाराज ने चरना अगे लिया के दोवां हत्थां नाल निमर भेट कीता तृप्त ना होए बिलो कतलोचन नित चितवत सोचन कर मोचन सतगुर दे दर्शन करके मन तृप्त नहीं हुंदा नेत्र भरे पै प्रेम राग नाल बार बार दर्शन कर दी मन फिर बिना रजे एक टक इस तरह सुरत टिकी हुई सतगुरु ने प्रेम नाल ओ सीता होया चोला दोवां हत्थां नाल लिया लेके अपने मस्तक लाया तर जाए वस्त्र को लियाई जिस पर अदक सुगंध सिंचाई उस चोले उत्ते अदक सुगंधी ओदे विचों आ रही अत दी प्रेम दी खुशबू है सतगुर ने भी ओ भेटा मस्तक नू लाई क्यों बिरले बिरले गुरसिखां कोलों गुरु नू एहो जही प्रेम दी भेटा मिलदी सहिब गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अज बड़े प्यार दे नाल ओ चोला सतगुरु उत्थे संगत विच बैठिया ही आप चोले दे उपरों पहनन लगे करत शिखर ता परयो अगारी हाथ जोर पुन बंधन तारी भाई संतोख सिंह लिख दे कहते पुन बिरदा निर्मल जल नीनो पद अरबिंद बखार ने कीनो जदों सतगुरां चोला पहन लिया दोवें शमशीरां चोले दे उपर कर लईयां फिर सतगुरु बैठ गए पलंग ते तां माई ने निर्मल जल लिआंदा एक बाटा लिया सहिब सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन चरण अपने हत्थां नाल आग्या मन के सतगुरु जी तो बेनती करके आग्या लैके चरण धोण लगी सोले जब अपने मुख डारा दिव्य दृष्ट होई लख सारा जदों इस तरह ओ जल दे नाल चरण धो दिते फिर आग्या मंगी कह महाराज जी तोड़ी चरण पौल नहीं लई पंजवें पातशाह दी चरण पौल लई होई मन दी इच्छा तोड़ी भी चरण पौल महाराज जी मैं छकनी है साहब जी बहुत प्रसन्नता विच आए कहते छक लो गुरु ने आग्या दित्ती देखो अपने आप छकण विच कुछ होर स्वाद है जदों सतगुरु आग्या दिंदा है उदों उहदे विच कुछ वक्खरी चीज भर जांदी आपां रोज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दर्शन करदे इहदे विच कुछ होर गल है जिद्दण सतगुरु सिख दे प्रेम तो त्रुट के दर्शन देणगे इह सच है तुसीं अरदास करन लगोगे कर नहीं सकोगे गला प्रेम नाल भर के रुक जांदा है नेत्रां नाल दर्शन करो मल्लो मल्ली हिरदे विचों विराग दे अथरू किर पैणगे उदण दर्शन तुसीं करदे नहीं उदण सतगुरु दिंदा है दर्शन जिदण किसे दे नेत्रां च विराग आ जाए जिदण बोलां तो अरदास बोली ना जाए अथरू चल पैण उदण अरदास आपां करदे नहीं सतगुरु आप कराउंदा है उसे अरदास नूं महाराज ने माण दित्ता है बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास आज सतगुर दे चरणां में जुड़ी माई महाराज प्यार नाल कहने माई छक लो ओ जल चरण पौल इस माई ने चुला भर के बट्टे विचों छकनी कीती रूप वास्तव आत्म जाना और अंधन अंतर लग ध्याना भाई संतोख सिंह लिख दे रूप वास्तव आत्म जाना और आनंद अंतर लग ध्याना
जिमें जिमें वह निर्मल जल के कुट अंदर जाते गए, आत्मा के अंदरों दर्शन इस सूखम शरीर हो गए, आत्मा उस परम आत्मा नाल जुड़ गई। भाई संतोख सिंह लिखते ध्यान इन्ना जुड़िया कि आनंद रूप हो गया। जदों आत्मा परम आत्मा नूं किते स्पर्श कर दी अंदर, थोड़ा जिहा भी मन हिरदा विराग च टच कर जाए तो बहुत विराग चल पैंदा। पर सतगुरु सदीवी काल ले अज तां जोड़ आनंदत हो गए तू, सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, जल छकदियां सार हिरदा विराग विच भरिया अंदरों आनंदत होके जुड़ गया। वर्ख सै करे साधै जोग, भई जोग अस पहचन लोग। भाई संतोख सिंह लिखदे इन्नी अवस्था बड़े बड़े जोगियां दी नहीं बनदी, कई कई साल तप साधन वालियां दी, जिहड़ी अवस्था सतगुर ने इक छिन विचों समाई दी बना दित्ती, सुरत जोड़ दित्ती, आत्मा ब्रह्म विच लीन हो गई, अंदर दा आनंदत खेड़ा बन गया। हुण किसी होर दुनिया विच रूह चली गई, कित्थे पहुंच गई, जिथे बेगमपुरा शहर को नाओ, शरीर दा कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, फुरने भुल गए, आनंद रूप सिर्फ परमेश्वर वाहिगुरु ते ओ आत्मा है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख आंदो नहीं तै ठाओ, ना तस्वीज खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, सब कुछ उत्थे मुक गया, आनंद ही आनंद है। फिर सतगुर जी प्यार विच इस तरह बोले, सब कर मह उठ कर शिरकायो, पुनः पुत्र को बान करायो। सतगुरु प्यार विच बोले, कहने माई जेहो जिहा आनंद हिरदा तेरा शरशार होया, असी चाहुंदे तेरे घर दे अंदर ओहो जिहा आनंद सदा बने, सदियां तक आनंद बनिया रहे, कोई शरदा प्रेम नाल आवे, ये आनंद उन्हूं उदों भी प्राप्त होएगा। आ जल अपने हत्थां नाल अपने बेड़े विच छिड़क दे, कहिंदे इस आनंद का छिट्टा दे दिओ। साहिब सतगुरु जी ने उस माई कोलों बचदा होया जल उस बेड़े विच छिड़काउणा कीता। डेरा सबे हन को करवाए, खान पान हित सकल पहुंचाए। भाई सेवादास कोल होए, कहिंदे महाराज जी दो कुट्टां जल मैनू भी छका दिओ, ते बचदा होया वाटे दा जल। भाई संतोख सिंह लिखदे सतगुरां दी आग्या नाल भाई सेवादास नूं दित्ता, सिर्फ दोहां ने जल छकिया, जां माई भाग भरी ने जां उहदे पुत्तर सेवादास ने, घर विच छिट्टा दवा दित्ता, वह घर सदा वास्ते विकुंठ अज तक सतगुरां दी याद विच उत्थे अस्थान बनिया होया। देखो अपने आप पीना कुछ होर गल है, तुसीं बाहरों शरदा प्रेम दे नाल कई बार जिथे संगतां चरण धोनियां उत्थों भी चुला लेंदे हो, कई बंदे इहनूं पखंडी कही जांदे, कहिंदे कर्मकांड गंदा पाणी है। जे तुसीं इस तरह कहोगे वाकई है गंदा पाणी, वाकई वह पखंड है, कर्मकांड है, पर यह हकीकत सच्चाई यह भी है, जे अंदरों प्रेम शरदा भावना नाल जिहो जिही भावना रख के लौंगे उहो जिहा उत्थे सब कुछ सत वरतदा है। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ, ਛਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਰਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਥੱਲਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਚੇ ਭੁੰਨੇ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਗ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾਸੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਚਿੱਤ ਸੋਚੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਟ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਥੋੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਦੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਛਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ 20-20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਪਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਬਚਨ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਅਰਦਾਸ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਮੌਤ 'ਚ ਕਹੀ ਗਏ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ 10 ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ 20-20 ਕਿਲੋ ਪਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਜਿਹਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ 20-20 ਕਿਲੋ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 20-20 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਪਕਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋ ਪਕਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਬਚਨ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 40 ਕਿਲੋ ਪਕਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਾਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਛਕ ਲਾ, ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ ਛਿੜਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਇਸ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਲੇ ਹਜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਭਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहे गुरु 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 जप लो वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 जप लो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सिमरो वाहे गुरु 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 जप लो वाहे गुरु 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 जी।
आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से तिन तन जाने दी माँ हो तिन तन जाने तिन तन जाने दी माँ हो तिन तन जाने दी माँ आए सफल से आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से आप लिए लाड लाए दर दरवेश से दर दरवेश से तिन तन जड़े दिमाग तन जड़े दिमाग तिन तन जड़े दिमाग तिन तन जड़े दिमाग आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से दर दरवेश से आप लिए लाड़ लाए दर दरवेश से दर दरवेश से जाने दी माँ तिन तन जाने